हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का जो है एक्सरसाइज 3.6 का प्रश्नावली जो है 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो भाषा पे आधारित प्रश्न है, लैंग्वेज पर आधारित, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का ये प्रश्न जो है भाषा पर आधारित है, तो हम आज इसको सॉल्व करेंगे। तो इनको जो है बस भाषा को समझना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद जो है इक्वेशन निकलने के बाद आप जो पीछे जिस विधि से इक्वेशन सॉल्व किए हैं आप उनमें से किसी भी विधि से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो है प्रश्न कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। धारा के अनुकूल मतलब हुआ कि नदी में जैसे इस तरफ पानी बह रहा है इधर से, तो ऋतु भी उसी ओर तैरते हुए जा रही है। ये पानी का बहाव इस ओर है तो तैरने वाला भी पानी के साथ ही तैरता है, तो वही धारा के अनुकूल हो गया, साथ में हो गया। तो धारा के अनुकूल आपको पता है कि धारा जो पानी बहती है, यदि हम नहीं भी तैरें धारा हमको बहा कर ले जाती है, इसका मतलब धारा में कुछ चाल होता है। और यदि जो कोई तैरने वाला है तो उनका चाल और धारा का चाल दोनों ऐड होगा। धारा भी खींच के ले जा रही है, धारा भी बह रहा है और हम भी तैर रहे हैं, इसमें दोनों का चाल ऐड हो जाता है धारा के अनुकूल में, धारा के साथ में, तो 20 किलोमीटर तैर सकती है। तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब देखिए धारा का प्रतिकूल हो गया कि पानी का बहाव इधर है लेकिन तैर हम इधर रहे हैं। तो देखिए धारा का बहाव है हमको धक्का देगा, जितना धारा का बहाव होगा यदि धक्का उतना देगा, और यदि उससे अधिक चाल से हम नहीं तैरेंगे तो हम पानी के साथ ही चले जाएंगे। आपको भी पता है प्रतिकूल मतलब हो गया विपरीत में, और टाइम देखिए उतने लग रहा है 2 घंटे में जो है 20 किलोमीटर जब धारा के साथ में, और 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर जब धारा के विपरीत तैरती है। तो शांत जल में जो है ऋतु की चाल निकालना है और धारा की चाल निकालना है। तो हम यहाँ पे जो है निकाल लेंगे आसानी से। पहले जो है मान लेंगे, माना कि ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल जो मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तथा धारा की चाल भी मान लेते हैं। धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखिए चाल जो होगा धारा के साथ में, धारा के अनुकूल चाल मतलब जो ऋतु चल रही है वो चाल होगा, और प्लस में धारा का चाल जो है वो चाल होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो गया। देखिए वो जो कितना किलोमीटर तैरती है, 20 किलोमीटर, ये हो गया दूरी, दूरी हो गया 20 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 2 घंटे। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, आपको पता है फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल, या आप दूरी बराबर ये कोना कोने गुना करके चाल गुना समय भी कर सकते हैं, चाल गुना समय। तो आपका दूरी कितना है 20 किलोमीटर, बराबर चाल कितना है, चाल है एक्स प्लस वाई, और इसको गुना कर दीजिए किससे, समय कितना है 2 घंटे, 2 घंटे से। तो आपका जो है यहीं से एक समीकरण मिल जाएगा, ये 2 गुना में है इस पर लाइए भाग में, तो 20/2 हो जाएगा बराबर एक्स प्लस वाई, ये कट गया। तो आपका जो निकल गया एक्स प्लस वाई बराबर 10 निकल गया, ये समीकरण आपका फर्स्ट निकल गया, ये समीकरण जो है आपका फर्स्ट निकल गया। उसी प्रकार से जो है आप फिर नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, तो प्रतिकूल में चाल क्या होगा, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, चाल क्या हो जाएगा। देखिए धारा के प्रतिकूल हम तब चल पाते हैं जब मेरा चाल जो है धारा से अधिक होगा, नहीं तो धारा के साथ हम बह जाएंगे। तो मेरा चाल क्या मतलब, जो ऋतु जो है उसका चाल क्या माने हैं, एक्स माने हैं। ऋतु अधिक तैरती होगी तब तो धारा के विपरीत भी तैर लेती है, तो ऋतु का चाल हो गया एक्स, उसमें घटाएंगे जो भी हो धारा का चाल, तब तो हम इधर बढ़ सकते हैं, उतना ही गति से हम बढ़ेंगे इधर धारा के विपरीत। तो एक्स माइनस वाई हो गया धारा के प्रतिकूल चाल मतलब उल्टा चाल। और दूरी जो है कितना है, दूरी देखिए मात्र जो है 4 किलोमीटर है, और समय जो है वही 2 घंटे है, समय
2 घंटे। तो आप जो है यहाँ पे दूरी बराबर भी फार्मूला लगा सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। ऊपर में आप फार्मूला देख चुके हैं, तो दूरी आपका है 4 किलोमीटर, चाल है आपका एक्स माइनस हुआ और समय है 2 घंटे। तो आपका यहाँ से 2 इधर भाग में इस पर आएगा तो एक्स माइनस हुआ है ये कट गया, तो आपका निकल गया एक्स माइनस हुआ है बराबर 2। ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया, ये समीकरण जो आपका हुआ सेकेंड हो गया। ये 4 किलोमीटर दूरी था बराबर चाल गुना समय किए, तो 4 है ये बट गुना 2 इस पर लाए 4/2 बराबर हो गया एक्स माइनस वाई। तो ये 2 से कटा 2 बार में, तो एक्स माइनस वाई जो आपका निकल गया ये 2 निकल गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप जो है किसी भी मेथड से सोल्व कीजिए और एक्स और वाई का मान पता कर लीजिए। एक्स और वाई का मान जब पता आप कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स जो माने हैं ऋतु की चाल निकल जाएगा और धारा की चाल माने हैं वाई तो धारा की चाल निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी प्रश्न से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो हमें जो है आप कमेंट करके बताइए या जो है आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर आपके समाधान को हम सुनेंगे। तो हम लोग अब जो है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका जो है ये जो 2 नंबर का प्रश्न है ये देखेंगे। ये 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 2 महिला 5 पुरुष 1 कसीदे के काम को एक साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकती है। देखिए हम इस प्रश्न को 2 विधि से बताएंगे। एक विधि से कि आप जो है बस छोटा सा जगह में जो है बना के इसका आंसर लगा सकते हैं, और दूसरा बताएंगे थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस लंबा प्रोसेस में, जो कि आप जो है वो प्रोसेस कभी कहीं भूल भी नहीं सकते हैं, कहीं भी नहीं भूलेंगे। दो प्रोसेस में ये हिसाब हम बताएंगे। तो पहला प्रोसेस हम पहले लॉन्ग प्रोसेस बताते हैं, उसके बाद आपको इसका हम शॉर्ट प्रोसेस बताएंगे। देखिए 2 महिला 5 पुरुष 1 काम को मान लेते हैं कि 4 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 3 महिला 6 पुरुष जो है इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि इस काम को 1 पुरुष कितना समय लेगा तथा 1 महिला कितना समय लगा। तो मान लेते हैं, माना कि एक महिला मान लिए कितना समय लेगा, x समय लेगा, तथा 1 पुरुष क्या समय लेगा, y समय लेगा। ये जो है x जो हम माने हैं महिला को, y माने हैं पुरुष को। देखिए 2 महिला है तो 2/x हो जाएगा, 2 महिला है तो 2/x हो गया, क्योंकि महिला माने हैं क्या चीज़, x मिलेगा। और 5 पुरुष तो क्या हो जाएगा, 5/y, मतलब 2 महिला के द्वारा जो है एक दिन में, मतलब x समय में क्या कार्य 2/x हो गया, और 5 पुरुष के द्वारा y समय में क्या कार्य 5/y हो गया। अब देखिए ये जो है दोनों मिल के क्या करता है, 4 दिन में ये दोनों मिल के काम करता है, तो यहाँ पर समय गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये आदमी हो गया जो भी काम करने वाला, गुना समय हो गया, तो टोटल क्या होता है, काम होता है बराबर में। तो 1 काम किया है, 1 कसीदे काम को, तो 1 काम हो गया, ये काम बराबर हो गया समय गुना कार्य करने वाला जो भी करने वाला है व्यक्ति। तो ये हो गया काम बराबर समय गुना कार्य करने वाला व्यक्ति जो भी होगा जो काम करता है। तो इतना दिन इतना व्यक्ति काम करते, तो 1 काम को क्यों कंप्लीट किया। यहाँ से आपका जो है फर्स्ट समीकरण निकलेगा, आप इसको व्यवस्थित कीजिए। तो ये 4 गुना में उस पर जाएगा भाग में, 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। यहाँ जो है आप व्यवस्थित कीजिए, इसको रैखिक समीकरण बनाइए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1/x बराबर मान लेते हैं m और 1/y बराबर मान लेते हैं n। तो यहाँ पर जो है देखिए ये जो है 2/x 2 गुना 1/x के रूप में है, तो यहाँ पे 1/x की जगह क्या रखेंगे, m रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 2m और यहाँ प्लस है तो प्लस 5/y, मतलब 5 गुना 1/y है, तो 1/y n है, तो 5n हम रख सकते हैं बराबर 1/4। ये समीकरण मेरा फर्स्ट निकल गया। उसी प्रकार से जो है प्रश्न और नीचे कह रहा है, जबकि 3 महिला 6 पुरुष, तो 3 महिला क्या हो जाएगा, 3/x हो जाएगा, क्योंकि महिला x मान्य है, प्लस
पुरुष, तो 6 बट्टा क्या हो जाएगा, वायुमाने है पुरुष, और कितना दिन में करता है, देखिए 3 दिन में पूरा करता है, 3 दिन में कितना काम, एक वही काम को, जस्ट वही काम को, एक काम को, एक काम या एक हो गया, और समय कितना ले रहा है, 3 दिन, तो फिर इसको 3 से गुना करेंगे, मतलब ये 3 गुना में बराबर कुछ पाएगा, तो भाग में 3 बटे x बटे 6 बटे y बराबर 1 है, इधर से गुना वाला बराबर उस पर गया तो भाग में 1 बटे 3। अब जो है यहाँ पे देखिए, हम 1 बाय x माने हैं m और 1 बाय y माने हैं n, तो 1 यहाँ देखिए 3 गुना 1 बाय x के रूप में है, और यहाँ 6 गुना 1 बाय y के रूप में है, तो 1 बाय x का जगह क्या रखेंगे, m, तो 3m हो जाएगा प्लस 6 गुना 1 बटा y, तो 6 1 बाय n है, 1 बाय y है m, n, 6n बराबर 1 बटे 3। ये समीकरण हो गया सेकेंड। अब जो है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को किसी भी मेथड से सोल्व करेंगे, एम और एन का मान निकालेंगे। देखिए सोल्व करते हैं, देखिए हमको जो है समीकरण ये मेरा है, तो इसको क्या करेंगे हम, 2m + 5n = 1/4, ये समीकरण मेरा फर्स्ट है, और सेकंड है 3m + 6n = 1/3, ये समीकरण मेरा सेकंड है। अब दोनों को जो है विलोपन विधि से हल करेंगे, तो पहले जो एक भाग को बराबर करेंगे, यहाँ देखिए 2m है, यहाँ 3m है, तो यहाँ 3m से गुना कर देते, 3 से गुना, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, ये आपका हो जाएगा 3 × 6m + 3×5 = 15n = 3/4। उसी प्रकार से यहाँ गुना होगा, तो द्वितीय 6m + 2×12n = 2/3। अब यहाँ घटा देंगे, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये भाग कैंसिल हो गया, 15n + 12n गया, तो बचा 3n = 3/4, और घटेगा 2/3, घटा है ये प्लस में है, 3/4 में घटाइए 2/3, यहाँ 4/3 का एलसीएम ले लेंगे, 4/3 का एलसीएम हो गया 12, 4 × 3 = 12, 3 × 9 - 3 × 12, 4 × 9 = 8, मतलब 1/12 बचा, तो 1/12 यहाँ 12 हो गया, तो यहाँ जो 3 × n है, n को उधर भेजेंगे तो नीचे आएगा, तो n बराबर हो जाएगा 1/12 × 3, हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर 1/36, n का मान हो गया 1/36। उसी प्रकार से जो है, अब जो है यही n का मान जो है किसी भी समीकरण 1 या 2 में रखिए, या तो 1 में समीकरण 1 ये है, और या तो 2 में रखिए, तो समीकरण m का, n का मान जो है समीकरण हम 1 में रखते हैं, तो m का मान निकलेगा 2m + 5×n का मान 1/36 = 1/4। अब देखिए 2m = ये 5/36 हो जाएगा, बराबर किस पर, प्लस में, बराबर किस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/4 - 5/36। अब एलसीएम निकालिए, 36 और 4 का हो जाएगा 36 एलसीएम, 4 × 36 = 9 - 5 बराबर 4/36 हो गया, तो ये 2m = 4/36 करिए, 4 × 4 = 4, 4 × 36 ये हो गया 1/9, 2m = 1/9 है, तो m बराबर ये 2 गुना में है, बराबर उस पर 1/2, ये 2 यहाँ गुना करेगा, तो 1/9 = 18 हो जाएगा, m का मान निकला 1/9, n का मान निकला 1/36। देखिए अब जो है हम m बराबर कुछ माने हैं, m बराबर 1/xy है, 1/x है, तो m बराबर, तो m की जगह पर रख देंगे 1/x, 1/x = 1/18। अब कोना कोने गुना कीजिए, यहाँ पे x गुना 1 हो गया, x बराबर 18 × 1 = 18, यहाँ पे x का मान निकल गया 18, 18 दिन में जो है ये x करेगा, x कौन है, महिला, 18 दिन में, और n बराबर हम क्या माने हैं, n बराबर 1/y, तो n की जगह पर रखेंगे 1/y, 1/y = 1/36, यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y गुना 1 हो जाएगा, y 36 × 1 हो जाएगा 36, तो y जो है पुरुष जो है करेगा 36 दिन में इस काम को, तो इस प्रकार से आप जो है समझ गए होंगे। आपको कोई भी प्रश्न में कहीं भी परेशानी होती है तो हमें परेशानी होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि आप कमेंट कीजिएगा तब तो हम समझेंगे कि आपको जो है प्रश्न समझने में परेशानी हो रही है, तो हम जो है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो है 2 मेथड से बताएंगे, तो ये मेथड एक लॉन्ग मेथड में हो गया, x का मान 18 निकला और y का मान 36 निकला,
एक शॉर्ट में जो है इसका बनाने का, देखिए आपको बताते हैं शॉर्ट में। आप इसको जो है एक और शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा। दो महिला पांच पुरुष, तो महिला को मान लीजिए एम, माना कि महिला जो हो जाएगा एम और पुरुष हो जाएगा, पुरुष को पी महिला को एम मान लिए। तो देखिए दो महिला पांच पुरुष, तो दो महिला को एम लगा दिए प्लस पांच पुरुष को पी लगा दिए, दोनों जोड़ के काम जो करता है कितना दिन काम करता है, चार दिन में करता है। तो यहाँ चार से गुना कर दिए, बराबर जो है उसी काम को तीन महिला छ पुरुष, फिर यहाँ लिखेंगे तीन महिला छ पुरुष और कितना दिन में करता है, तीन दिन में पूरा करता है, समय से गुना कर दे तीन दिन। ये जो है इधर जो काम किया वही काम इधर किया, दोनों काम तो बराबर है इसलिए बराबर कर दिए। अब जो है ये चार से गुना कीजिए, चार दोनों आठ एम प्लस चार पंचे बीस पी बराबर तीन तिया नौ एम प्लस तीन चौक अठारह पी। तो यहाँ जो है आठ एम है इधर नौ एम है, एम ब्लॉक को एम ब्लॉक से पास लाएंगे तो इधर लाएंगे तो आठ एम में से घटेगा नौ एम बराबर ये बीस पी, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में है अठारह पी माइनस बीस पी। तो ये आठ एम में से नौ एम गया तो कितना बचेगा, माइनस एम बचेगा बराबर अठारह पी में से माइनस पी, तो माइनस दो पी बचेगा तो माइनस माइनस प्लस। तो एम इधर देखिए पी गुना में है, इधर आएगा तो भाग में बटे एम बटे पी बराबर एक बटे, यहाँ ऊपर में क्या है दो है नीचे हमने कुछ तो एक है। ये जो है एम और पी का अनुपात निकाल लिए, एम से महिला और पी से पुरुष, मतलब महिला जो है एक दिन में दो काम करता है और पुरुष जो है एक दिन में एक काम करता है। इस तरह से एम और पी का अनुपात निकल गया। देखिए जरूरी नहीं है कि महिला जो है प्रश्न में कम ही ऐसे रियल में कम कम करती है, तो ऐसा नहीं प्रश्न में कम कम करेगी महिला, ऐसा मत सोचिए, प्रश्न में कुछ उल्टा भी पूछ देता है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से समझिए। अब जो है हम जो है टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम क्या है, टोटल काम जो आपका है ये काम है टू एम प्लस पाँच पी गुना चार, या तो ये काम या तो ये काम, दोनों टोटल काम ही है, आप या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं। टोटल काम जो मेरा टू एम प्लस पाँच पी और गुना चार, देखिए टू एम, एम का अनुपात कितना है, एम का अनुपात दो है, एम का मान ऊपर में दो हो गया तो दो हो गया जोड़ पाँच, पी का मान एक है तो एक रख दिए गुना चार, देखिए दो दुना चार जोड़ पाँच का पाँच, पाँच चार नौ हो गया, पाँच चार कितना हो गया नौ गुना चार। तो ये काम जो निकला टोटल छत्तीस निकल गया, काम जो करना है टोटल छत्तीस काम ही करना है। तो हमको कहा है कि एक महिला जो है कितना दिन में करेगा, एक महिला दो काम करता है एक दिन में, तो 36 काम टोटल हो गया। तो महिला के द्वारा किया गया समय लिया गया समय 36, एक दिन में दो काम करता है तो 18 दिन में क्या करेगा, 18 दिन में ये काम जो है पूरा कर देगा। उसी प्रकार से पुरुष के द्वारा लिया गया समय, तो 36 काम तो करना है पुरुष को, लेकिन एक पुरुष जो है एक दिन में एक काम करता है तो एक से भाग देंगे बराबर 36 दिन में। तो उससे जो है ये अभी जो लॉन्ग प्रोसेस बनाए उससे यह मेथड जो है आसान है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में जो है आपको यह मेथड जो है बहुत जो है फायदा होगा। तो आप इस मेथड को जो है यदि नहीं समझते एक बार फिर से देखिए, ध्यान से देखिए क्या करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ आता है तो हमें जो है वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, उसके बाद हम जो है आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन को साथ में लेकर।